विश्वव्यापी मस्जिद विवाद ने देश में नए तरह के हालात पैदा कर दिए हैं। लोग बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से ज्यादा मंदिर, मस्जिद और हिंदू मुसलमान जैसे मुद्दों में ज्यादा उलझे हुए नजर आ रहे हैं, और जब कोई इस पर सरकार की आलोचना करता है तो उसे जेल में डाल दिया जाता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतन लाल का गुनाह सिर्फ इतना था कि उन्होंने ज्ञानव्यापी मस्जिद विवाद पर अपनी राय रखी थी। आज वो जेल में है, जिसको लेकर DU के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया है और प्रोफेसर को रिहा करने की मांग की है। प्रोफेसर की गिरफ्तारी से नाराज छात्रों ने आज भी हंगामा किया है और प्रोफेसर रतनलाल की जल्द रिहाई की मांग कर रहे हैं। अपनी गिरफ्तारी पर रतनलाल ने कहा है कि फुले, रविदास और अम्बेडकर से हिंदू धर्म में आलोचना की एक लंबी परंपरा है। यहाँ मैंने इसकी आलोचना भी नहीं की है, ये सिर्फ एक अवलोकन है। हमारे देश में किसी भी बात को लेकर धार्मिक भावनाएं आहत होती है, लोग क्या करेंगे, बस उनके मुँह पर पट्टी बांध दो। वाराणसी पुलिस के मुताबिक इतिहास पढ़ाने वाले प्रोफेसर रतनलाल ने मंगलवार को कथित तौर पर ज्ञानव्यापी मस्जिद की तस्वीर पोस्ट की थी और आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। प्रोफेसर रतनलाल को पहले पूछताछ के लिए बुलाया गया और बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें शुक्रवार रात गिरफ्तार किया गया था। रतनलाल के खिलाफ IPC की धारा 153A और 295A के तहत सामाजिक कार्यकर्ता की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था। मंगलवार देर रात साइबर थाने में FIR दर्ज की गई थी। प्रोफेसर रतनलाल की गिरफ्तारी के बाद छात्रों में काफी नाराजगी है। वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रोफेसर की रिहाई की मांग कर रहे हैं।